अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन के जी ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये स्टॉप वॉच का जो टाइमर है इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। देखेंगे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉप के बटन से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट के बटन से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी यूआई को डिज़ाइन करना है। तो जल्दी से अपनी यूआई को डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा बैकएंड का काम है उसकी तरफ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट webguideofficial.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। HTML, CSS, JavaScript, वेब के रिलेटेड, एंड्रॉयड के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट और हमारी वीडियो के मुताबिक आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में लाजमी बता देना। तो ये हो गई हमारी यूआई कंप्लीट। अभी हमने क्या करना है कि सिंपल अपनी कोटलिन की जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स जो है ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे कि टेक्स्ट व्यू के हो गए और काउंट डाउन टाइमर के हो गए, और ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेते हैं और उसके बाद बाकी आगे का काम है जो है उसको फिर देखते हैं। Thank you.
योगी, हमारा काउंट डाउन टाइमर का काम खत्म। अभी हमने क्या करना है कि स्टार्ट और स्टॉप का जो बटन है उस पर काउंट डाउन स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो जल्दी से अपने बटन का जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं। तो योग्य, हमारा काम खत्म। अभी अब सिंपल अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम जो अभी तक हमने किया है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।